हे गाइस, वेलकम टू द ऑल टाइम हेल्प चैनल। दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम जानने वाले हैं व्हाट इज डेमो मोड ऑप्शन ऑन एंड्रॉइड फोन। आखिर डेमो मोड ऑप्शन क्या है जो कि हमारे एंड्रॉइड फोन में दिया गया है, इस वाले ऑप्शन का क्या काम है, कैसे यूज कर सकते हैं और किस लिए दिया गया हमारे एंड्रॉइड फोन में, आज के स्टूडियो में आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूं। तो गाइस, अगर आप जानना चाहते हो कि डेमो मोड ऑप्शन क्या है, किस लिए दिया गया है और कैसे यूज कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन को, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। और अगर आप एक यूट्यूबर हो तो गाइस, आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिर डेमो मोड ऑप्शन क्या है हमारे एंड्रॉइड फोन में। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको जल्दी से बताता हूँ डेमो मोड ऑप्शन के बारे में पूरी जानकारी। इसके लिए गाइस, आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद दोस्तों, सिंपली आपको यहाँ पर सिस्टम पे क्लिक करना। सिस्टम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन नहीं है तो गाइस, आपको इनेबल करना होगा। अगर आपका फ़ोन एंड्रॉइड 9, एंड्रॉइड 8, एंड्रॉइड 7 है तो इसके लिए गाइस, आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर एंड्रॉयड अबाउट पे जाना है। वहाँ पर आपको बिल्ड नंबर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको वहाँ पर 5-6 बार क्लिक करना है और दोस्तों डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन पे आ जाना है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे को जाना है और फिर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम UI डेमो मोड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ एंड्रॉइड फ़ोन में इस वाले ऑप्शन का क्या काम है और यूट्यूबर्स के लिए ये वाला ऑप्शन किस लिए काम आएगा, अब मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये वाला ऑप्शन इसलिए दिया गया है, अगर आपको एक क्लीन स्क्रीनशॉट चाहिए या दोस्तों अगर आपको एक क्लीन स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो गाइस, आप इस वाले ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो। अगर आप इस वाले ऑप्शन को इनेबल कर लेते हो तो गाइस, आप एक क्लीन स्क्रीनशॉट ले सकते हो और एक क्लीन स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बेसिकली दोस्तों, ये वाला ऑप्शन यूट्यूबर्स के लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि यूट्यूबर्स बार बार स्क्रीनशॉट लेते हैं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करते हैं, लेकिन उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्लीन नहीं आती। ठीक है, अगर वो इस वाले ऑप्शन को इनेबल कर लेते हैं तो गाइस, उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग दोस्तों क्लीन आएगी और अगर वो स्क्रीनशॉट लेते हैं तो गाइस, वो भी क्लीन आएगा। लेकिन दोस्तों, आपके मन में ये क्वेश्चन तो होगा ही कि आखिर इस वाले ऑप्शन से होता क्या है, ठीक है, कहाँ पर क्या होता है इस वाले ऑप्शन को इनेबल करने के बाद। अब मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, आपको करना क्या होगा, आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, नोटिफिकेशन बार में देखिए जरा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा समय बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इंस्टाग्राम के कुछ नोटिफिकेशन दिख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो जो मेरे नेटवर्क में दोस्तों काफ़ी कम आ रहा है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो जो मेरी बैटरी है वो दोस्तों काफ़ी कम है। ठीक है, ये सब तो दोस्तों आपने देख लिया। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इस वाले ऑप्शन से होता क्या है। अगर दोस्तों आप इस डेमो मोड को ऑप्शन को इनेबल कर लेते हो, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं डेमो मोड, अगर आप इसे इनेबल कर लेते हो तो गाइस, होता क्या है, आपको एक समय दिखाएगा 10 PM। इसके अलावा दोस्तों, आपको जो नोटिफिकेशन बार में दिख रहा है ना, इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन, दोस्तों कुछ भी नहीं दिखाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, जो आपके नेटवर्क है ना, बार बार जा रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो जो मेरे नेटवर्क है जियो के, वो सारे के सारे चलेगा। दोस्तों, अगर आप इस डेमो मोड को ऑप्शन को इनेबल कर लेते हो तो गाइस, जो आपके नेटवर्क में दोस्तों फुल हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, फुल हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो जो मेरी बैटरी है वो दोस्तों काफ़ी कम है। अगर दोस्तों मैं इस डेमो मोड ऑप्शन को इनेबल कर लेता हूँ तो गाइस, जो मेरी बैटरी है वो दोस्तों फुल हो जाएगी। और काफ़ी यूट्यूबर्स आपको एक बेवकूफ भी बनाते होंगे कि आप इस एक सेटिंग कर लीजिए और जो आपकी बैटरी है वो फुल हो जाएगी। ठीक है, वो करते क्या है दोस्तों, इसी ऑप्शन को इनेबल कर लेते हैं। इससे क्या होता है, बैटरी फुल हो जाती है, जो हमारे नेटवर्क हैं वो दोस्तों फुल हो जाते हैं और एक ही समय दिखाएगा और नोटिफिकेशन बार में कुछ भी नहीं दिखेगा। अगर नोटिफिकेशन बार में कुछ भी नहीं दिखेगा तो गाइस, हमारा एक क्लीन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम एक क्लीन स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। आपको दिख रहा होगा कि इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन आ रहे हैं। ठीक है, और आप ये भी देख रहे होंगे कि नेटवर्क कितने कम है और बैटरी कितनी कम है। ठीक है, एक बार तो मैं चार्ज में लगा के स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा था तो यूट्यूबर के काफ़ी यूज़र के कमेंट आ रहे थे, अरे अपने फ़ोन चार्ज तो कर लो। ठीक है, तो ऐसा वो कमेंट कर रहे थे। ठीक है, अपना फ़ोन चार्ज कर लो फिर वीडियो बनाना, ऐसा वो कमेंट कर रहे थे। ठीक है, तो गाइस, चलिए मैं आपको इनेबल करके बताता हूँ इस डेमो मोड को। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, एक बार अगर मैंने एक बार इस वाला ऑप्शन को इनेबल कर लिया तो गाइस, इसे मैं ऑफ़ नहीं कर सकता, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने इसे ऑफ़ कर दिया तो गाइस, जो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो दोस्तों बंद हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपली मैं आपको इनेबल करके बताऊंगा। सिंपली आपको करना क्या, इनेबल कर देना और ऑफ़ करने के लिए सिंपली आपको यहाँ से ऑफ़ भी कर देना। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इनेबल करके बताता हूँ और आप इसे बंद कर सकते हो। अगर आपको बंद करना है तो गाइस, आप बंद भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, जैसा कि इस वाले ऑप्शन पे इनेबल करने के बाद हमारे नेटवर्क फुल हो जाएंगे, बैटरी फुल हो जाएगी, सिर्फ आपको एक डेमो दिखाएगा। ठीक है, इससे दोस्तों आपकी रियल टाइम में बैटरी फुल नहीं होगी। ठीक है, जितनी थी उतनी ही रहेगी, लेकिन आपको यहाँ पर फुल बता देगा। अगर इस वाले ऑप्शन को आप इनेबल कर लेते हो तो गाइस, जो आपका नोटिफिकेशन बार है वो दोस्तों पूरा का पूरा क्लीन हो जाता है। ठीक है, आपको एक ही समय बताएगा और जो आपके नेटवर्क में फुल हो जाएंगे और बैटरी भी आपकी फुल हो जाएगी। लेकिन
रियल टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ये वाला ऑप्शन इनेबल करके बताता हूँ, लेकिन बंद करके मैं आपको नहीं बताऊँगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो बंद कर सकते हो। अगर मैंने इसे बंद कर दिया तो गाइस मेरी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो दोस्तों बंद हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मैं इसे इनेबल कर लेता हूँ। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो डेमो मोड है वो दोस्तों ऑन कर लिया। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा टाइमर है वो दोस्तों 10 PM दिखा रहा है। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो जो मेरे नेटवर्क है वो दोस्तों फुल हो गया है, और बैटरी देखिए दोस्तों यहाँ पर 100% हो गई। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो गाइस यही काम रहता है डेमो मोड ऑप्शन का। अगर आप इसे इनेबल कर लेते हो तो गाइस जो आपकी बैटरी है वो फुल हो जाएगी, जो आपका वाईफाई नेटवर्क दिखने लगा, और यहाँ पर देखिए दोस्तों एक ही टाइमर दिखा रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इसे बंद करता हूँ तो गाइस स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, इसलिए मैं आपको बंद करके नहीं बताऊँगा, सिंपली इनेबल करके बता दिया। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो आप कुछ भी नहीं दिख रहा है, नोटिफिकेशन बार में कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना ही इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन दिख रहा है और ना ही कुछ। जो मेरे नेटवर्क है वो कम आ रहे थे लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पर फॉलो हो चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों जो मेरी बैटरी कम थी लेकिन दोस्तों फॉलो हो चुकी है। तो गाइस यही काम रहता है डेमो मोड का। ये वाला ऑप्शन दोस्तों यूट्यूबर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, अगर वो एक क्लीन स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन उनके लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और अब आप यहाँ पर देख सकते हो अब आपको एक क्लीन स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख रही होगी। ठीक है, तो बंद करने के लिए दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, फिर से सेटिंग्स पे जाना है, सिस्टम पे क्लिक करना, डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करना, फिर से आपको यहाँ पर सिस्टम यूआई डेमो मोड पे क्लिक करना और आपको यहाँ से ऑफ कर देना है। अगर मैं ऑफ करूँगा तो गाइस स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई लाइक करना और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। और उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कि आखिर डेमो मोड ऑप्शन क्या है जो कि हमारे एंड्रॉइड फ़ोन में दिया गया है, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। और बंद करने के लिए सिंपली आप यहाँ से ऑफ कर देना, बंद हो जाएगा और फिर से आपकी रियल टाइम में जो बैटरी थी वही दिखने लगेगी, और जो आपके नेटवर्क थे जितने आ रहे थे उतने दिखने लगेंगे, और जो आपका टाइम था वो भी उतना ही दिखने लगेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।